महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक फिल्म का असली सस्पेंस अभी बाकी है। उद्धव सरकार और बागियों के बीच अब वार और पलटवार का खेल शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब शिवसेना के बागी विधायकों पर कार्रवाई करने के मूड में हैं। डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल की ओर से अब 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का विचार किया जा रहा है। वहीं बागी एकनाथ शिंदे गुट की ओर से डिप्टी स्पीकर को ही बदलने की तैयारी की जा रही है। कुर्सी की रस्सा कसी के बीच राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर की भूमिका बड़ी अहम हो गई है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे मौकों पर दोनों के पास क्या क्या शक्तियां हैं। शिवसेना विधायकों की बगावत से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में एक होटल में ठहरे हुए हैं। वहीं मुंबई में उद्धव और शरद के बीच सरकार गिराने और बचाने को लेकर मंथन जारी है। हालांकि असली फैसला विधानसभा में ही होगा। उद्धव सरकार को गिराने या बचाने दोनों ही सूरतों में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र विकल्प है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक अब गेंद राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर के पाले में पहुंच चुकी है। बागी विधायकों के साथ क्या करना है ये अब यही दो लोग तय कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार ने डिप्टी स्पीकर से 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। सरकार के कहने पर डिप्टी स्पीकर इस पर बागी विधायकों को नोटिस भी भेजने वाले हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले उन्हें दल बदल कानून का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद मामला कोर्ट में जा सकता है। महाराष्ट्र की मौजूदा परिस्थिति में स्पीकर का रोल बड़ा अहम हो गया है। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा में इस वक्त स्पीकर नहीं है तो अब डिप्टी स्पीकर यानी नरहरि जिरवाल ही मुख्य भूमिका में है। डिप्टी स्पीकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बागियों की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। हालांकि इसमें उन्हें दल बदल कानून के संख्या बल का ध्यान देना होगा। यदि शिंदे के पास शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक हैं तो किसी की भी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को ऐसी स्थितियों से निपटने का अधिकार दिया गया है। इसमें राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार विधानसभा को भंग कर सकते हैं। वहीं यदि मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव मिले तो भी वो सरकार के पास बहुमत की स्थिति को देखकर फैसला ले सकता है। यदि बागी विधायकों का गुट और बीजेपी दावा कर दे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश दे सकता है। इसके अलावा वो किसी को भी मुख्यमंत्री की शपथ दिला सकता है और उसे बाद में बहुमत हासिल करने का अधिकार दे सकते हैं। 2019 में देवेंद्र फडणवीस को भी वे इसी तरह से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।